थोड़े से निकाल लो, पहले चेक करते हैं ये आटा बनाती है या नहीं बनाती है। हाँ मैं थोड़े से ला रही हूँ। हाँ खुश कहें। हाँ धूप में रखे थे सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पैरवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम भाई बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पैरवर्स आज जो है ना हम ये आटा चक्की जो आपको दिखा रहे हैं ये कोई तकरीबन 150 साल से ऊपर की पुरानी है, 150 साल तकरीबन, क्योंकि जो जिससे हम ये चक्की लाए हैं तो वो हमारे जो है ना रिश्तेदार हैं, तो उनकी जो है ना एज अभी तकरीबन 80-85 एज उनकी एज है। तो वो कह रही थी कि ये चक्की उनको उसकी सास ने दी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी होगी। तो आज भी ये चक्की चलती है और जो है ना इससे आटा बनता है। तो हमने फिर व्यूअर से शेयर करने के लिए, आप लोगों से शेयर करने के लिए इसको उठा के यहाँ लाए हैं और यहाँ दाने भी रखे हुए हैं। तो इससे कुछ जो है ना आटा बनाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि कैसे किस तरह पहले आज से 100-150-200 साल पहले लोग किस तरह आटा बनाते थे और फिर वो उसको खाते थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए कुछ बेगम से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। और आज जो है ना व्यूअर्स देखते हैं नई नई ये सिस्टम, सदियों पुराना रिवाज आज जो है ना ये इस्तेमाल कर रहा है। देखते हैं ये आटा कैसे बनाकर हमें देता है। आज हमारा आटा है भी नहीं व्यूअर्स, हमने इस चक्की से आटा बनाना है और खुद भी खाना है, आपको भी दिखाना है कि किस तरह आटा बनता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये पहले तो हमें इसका तरीका मुझसे तो हिलती भी नहीं, हिलेगी कैसे? ऐसे ऐसे चलेगी ना, ऐसे 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 चलेगी। तो फिर हाँ दोनों रल जाएंगे इकट्ठे इकट्ठे, दाने डालो फिर ऐसे चलाएंगे। ऐसे थोड़ी चलाएंगे, इसको ऐसे पकड़ के चलाएंगे, ऐसे ऐसे मेरे ख्याल में ऐसे चलेगी। हाँ ऐसे चलेगी। गंदम डालो ना इसमें, दाने डालो फिर चलेगी। पहले ऐसा कर लो, इसे जो है ना थोड़े से डालकर चेक कर लो। चेक करते हैं। तुम जाना इसको थोड़ा ऐसे चलाओ, ऐसे तो ये नहीं बनेगा आटा, तेज बन जाएगा, बन जाएगा, तेज घूमेगी तो बनेगा। पता नहीं विवाद हमें तरीका भी है कि नहीं, हमने तो ऐसे बस रख दिया है। ये तो बहुत भारी चल रही है, इसको तो चलाने के लिए काफी जोर लग रहा है। पता नहीं पहले जो लोग थे वो क्या खाते थे, उनके पास इतनी ताकत थी, पता नहीं इसी चक्की का वो आटा खाते थे तो उनके पास इतनी ताकत होती थी कि वो जो है ना इसे चला के फिर आटा बना लेते। हमसे तो ये हिल भी नहीं रही है, इतनी भारी है ये। पता नहीं इसका कोई और भी तरीका होता होगा, हमें तो नहीं पता क्योंकि हमने तो इस्तेमाल नहीं किया इसको। हम तो बस ये उठा लाए थे सिर्फ व्यूअर्स को दिखाने के लिए ताकि उनको पता चले कि पहले जो है ना कैसे लोग जो है ना रहते थे और अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, अपना बस गुजारा करते थे। तो व्यूअर्स आप देखें इस चक्की से अब एक टाइम में जो है ना कितना आटा बनता होगा, लेकिन वो दौर कैसा था, कितनी उस दौर में बरकत थी, जो इस चक्की से जो है ना आटा निकाल के भी वो लोग बहुत खुश रहते थे और उनके यहाँ जो मेहमान आते थे तो वो भी कई महीनों तक रहते थे उनके यहाँ। आज का तो कोई एक दिन भी अपने मेहमान को घर में नहीं रख सकता, एक टाइम का खाना खिला के भी वो, बस यही तो बात है। पहले जो है ऐसा बरकत दौर था वो। तो आज का आज देखें आप, आज इतनी बड़ी मिलें लगी हुई हैं, तो ये थोड़े से दाने क्या उसमें मिलों में तो ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं, वो पिस रहे हैं, मिनटों में पिस जाते हैं और फिर वो आटा बन जाता है और फिर वो बाहर जो है ना तकसीम हो जाता है। तो फिर भी जो है ना देखें आटा पूरा नहीं होता, वो इतना महंगा आटा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो दौर कैसा था, उसमें लोग आखिर वो खाते तो वो भी थे, रोटी तो वो अल्लाह की रहमत थी ना, रोटी तो वो भी खाते थे। वो जब वो ज़माना था तो उस ज़माने में जो है ना जो चीज़ भी खरीदी जाती थी वो बरकत वाली थी ना। तो असल में बात यही है कि वो दौर जो है ना सच्चा दौर था, उसमें बरकत थी, उसमें जो है ना अल्लाह ताला खुद बरकत डालते थे, उनके जो आटे थे, उनके जो काम काज थे, उनमें ऐसी बरकत थी जो वो जो है ना हर चीज़ जो है ना अपने हाथ से काटते थे।
हाँ सारा कुछ वो करते थे और उनका जो है ना, लेकिन विवाद अभी जो है ना ये नहीं, जैसे कह रहा है कि अभी भी हम अपने हाथ से ही गंदा बिखाड़ते हैं, तो हम पर तो बस वो ही वक्त है जो पहले ज़माने में था, हम तो बस ऐसे ही निभा रहे हैं। आज आपने कहा कि आटा निकालो और फिर ऐसे ऐसे चलेगी ये असल में इसमें जो है ना ये देखो यार ये आटा रहा है। असल में इसमें इसमें एक चीज़ है जो सामान है इसका, इसके अंदर लगता है इधर नीचे, जिससे पे ये जो है ना ये ऐसे इधर उधर नहीं हिलता और उसके बाहर जो है ना वो फिरता रहता है। वो एक गन्नी सी होती है ऐसे बनी हुई, जो इसकी ख़राब है, जो काफ़ी पुरानी है ना, काफ़ी अरसा पहले की बनी हुई है, तो उसकी वजह से जो है ना ये आप यहाँ से फिरते हैं ना तो ये फिर इधर उधर हो जाती है, गोल गोल नहीं फिरती, गोल गोल। इसमें यही मसला है, अगर दो रल जाए एक से तो नहीं फिरती, बस ये नहीं बनेगा आटा। देखते हैं इसको उठा के, देखते हैं इस पे नीचे आटा बन रहा है, देखिए इसको उठाओ, एक मिनट हाथ पीछे कर दो। हाँ बन तो रहा था, देख व्यूअर्स देखें ये तो वो कहते हैं ना डाला क्रूर जो होती है आटे की, ये तो आधा आधा आटा बन गया है और जिसका भात बन जाता है। अभी जो है ना ये गंदम मुझे लगता है ये गीली है। हाँ बिल्कुल, खुश्क होगी तो आटा बनेगा। इस चक्की में जो है ना खुश्क गंदम चल सकती है, ऐसे गीली गंदम जैसे आटा बना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आटा बार बार से बन गया है, सेट से बन गया है। तो अभी नजदीक नजदीक दाने सब जब सेट में बन जाता है तो ये अंतर वाली जगह जो है यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर चला जाता है, फिर यहाँ पर जो है ना इकट्ठा करके इधर से इकट्ठा होता है ऐसे। तो अब क्या करें, तो व्यूअर्स बस हमने कोशिश तो की है, हमसे पर ये थोड़ा सा आटा बनाया है तो क्रूर सा बना गया, क्रूर सा जिसे क्रूर कहते हैं। इसका तो हम भात बना लेंगे, इसका हम भात बना लेंगे। इसकी असल में जो थोड़ी इसमें ख़राबी है, इस वजह से जो है ना ये चक्की जो है ना सही माने आटा नहीं बना, ये इसका वजन भी बहुत ज़्यादा है। जो है ना सुबह से मेरे शौहर इसे जो है ना वहाँ से बेड पर लेकर आए, इनको तो शाम तक काफ़ी है, बस मैं इसको बनाने में लगा हुआ था फिर भी मेरे से सेट हुई। तो प्यारी व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें भी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।